In this module, we are going to study under the topic of consumer behavior, assumptions of consumer preference ordering and the consumed uh, that one assumption that we will study that is the strict convexity. Convexity ki property ko, agar hum dekhain, toh, that is a property of a set or of a function that describes the curvature. और कर्वेचर क्या है शेप तो किसी भी कर्व की शेप को अगर हमने देखना होगा तो जिस प्रॉपर्टी के जरिए हम उसको चेक करेंगे तो दैट विल बी द और द शेप फंक्शन को तो वो हम उसकी कन्वेक्सिटी कहलाएगी सो कंज्यूमर प्रेफरेंस के कर्व की जो एक्चुअली शेप है उसको स्टडी करने के लिए स्ट्रिक्ट कन्वेक्सिटी की एजम्शन बहुत अहमियत रखती है तो इसी तरीके से अगर हम कहें कि अगर कोई भी कर्व जो कि इनवर्ड बैंडेड होगा वो इनवर्ड या ऑन लेफ्ट बैंडेड होगा तो वो कर्व हमेशा हमारा कन्वैक्स कहलाएगा और अगर दूसरी फॉर्म में हम देखें कि अगर हम उस फंक्शन के ऊपर किसी भी दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर सकें और ज्वाइन करने के बाद उसका तमाम का तमाम कर्व के अंदर मौजूद पॉइंट जो हैं उस लाइन के लेफ्ट पर मौजूद रहेंगे तो वो फॉर्म और या कर्व जो है वो कन्वेक्स कहलाएगा अब अगर हम इसकी एग्जाम्पल्स के सामने तो जिस तरीके से हमने बात की थी पहले कि अगर हम एक कर्व जिसको ड्रा कर रहे हैं तो अगर वो हमने इस फॉर्म में ड्रा किया तो ये बेसिकली हमारा इनवर्ड या लेफ्ट पे स्लोप्ड कर्व है और इसके इन्हीं दो पॉइंट्स को अगर हम इसके ऊपर मौजूद कोई से दो पॉइंट्स को मैं अगर कहीं लाइन से ड्रा करूं तो हम अगर देखें कि ये तमाम के तमाम जो कर्व के पॉइंट्स उसके लाइन के लेफ्ट पर अवेलेबल रहेंगे तो ये वाला कर्व हमारा कन्वैक्स कहलाएगा और इन ऑर्डर टू बी कन्वैक्स अगर हम देखें तो इसकी एजम्पन्स क्या है कोई भी कर्व उस वक़्त तक कन्वैक्स नहीं हो सकता जब तक कि इसके अंदर इस तरीके से स्लोप ना पाई जाए क्योंकि अगर वो स्लोप नहीं है तो वो स्ट्रेट लाइन हमारे पास है तो स्लोप एक्चुअली रेट ऑफ चेंज है तो वो स्लोप मौजूद होना हमारे लिए अगेन द रूल ऑफ़ कैलकुलस के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अदरवाइज हम अगर देखें तो हम एक पॉइंट के ऊपर कॉन्ट्रोलिंग को हम देख लेंगे तो वो हमारा मिनिमा और मैक्सिमम पॉइंट होगा तो लेकिन जब हमने जो सेकंड डेरिवेटिव के जरिए जो कंडीशन सॉल्व करते हैं दैट इज़ बेसिकली दैट करवेचर और उसी तरीके से अगर हम कहें कि उसकी स्लोप नहीं होगी और वो स्ट्रेट लाइन है तो अगर हम इस स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर हम ड्रा कर रहे हैं कोई भी अपना इंडिफरेंस कर्व तो इसका मतलब है कि इनके दरमियान जितनी सब्सिट्यूशन है वो फिर परफेक्ट सब्सिट्यूशन होगी और अगर परफेक्ट सब्सिट्यूशन है तो ये कोई एक केस हो सकता है जो लाइफ में मुमकिन नहीं है कि कोई भी जो दो कमोडिटीज़ हैं वो इतनी आइडेंटिकली परफेक्ट सब्सिट्यूट एक दूसरे का हो सके और इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगर कन्वेक्सटी का रूल हमने देखना है तो उसका लिए एक अंडर लाइन और मौजूद होगी कि जो कंज्यूमर है वो अपनी प्रेफरेंस को वेरी वेल बैलेंस्ड और वेल well बिहेव्ड Curves के जरिए एक्सप्लेन करें और जो वेल बिहेव्ड कर्व को अगर हम देखें तो उसकी प्रॉपर्टी यही है कि तो वो वेरी स्मॉल चेंजेस को भी स्मूथ फॉर्म में बहुत अहतमाम के ज़रिए एक्सप्रेस करती हैं और उसमें हमेशा जो ऑप्टीमल चॉइस का पॉइंट है वो यूनिक और एक सिंगल होता है वो दो या तीन पॉइंट्स नहीं होते और चूंकि जो बजट लाइन है मोस्टली अगर हम देखें तो वो हमेशा हमारी बजट लाइन स्ट्रेट फॉर्म में हमारे सामने आ रही होती है और उसकी वजह यह है कि जो मार्केट की प्राइसिस हैं कंज्यूमर उनको नहीं चेंज कर सकता वो उसके लिए प्राइस टेकर हैं तो चूंकि वो प्राइसिस मार्केट की स्ट्रेट रहनी है और उस बेस पे हम उसका जो बजट के दो पॉइंट्स हैं वो हम ड्रा करते हैं तो दो एक्सट्रीम पॉइंट्स को हम फिर ज्वाइन करते हैं विद स्ट्रेट लाइन तो कन्वेक्सटी की जो प्रॉपर्टी है वो हमें टेंजेंसी को सॉल्व करने में हेल्पफुल होती है अदरवाइज अगर हम देखेंगे तो हमारे पास अगर बजट लाइन जो है वो भी स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में मौजूद हो और हमारा कंजम्पशन का लाइन भी स्ट्रेट फॉर्म में होगी तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे को मोस्टली कौनसाइड कर जाएंगी तो हमारे लिए सिंगल पॉइंट के ऊपर ऑप्टिमाइज करना नामुमकिन हो जाएगा अब इसी फॉर्म में अगर हम उसकी एग्जाम्पल की फॉर्म में अगर हम जाते हैं तो इस ड्राइंग में हमने देखें तो हमने एक कमोडिटी को ऑन एक्स एक्सिस पे एक्सप्लेन किया जो कि हमारी कमोडिटी एक्स वन है और उसी तरीके से हमने एक दूसरी कमोडिटी एक्स टू को हमने वाई पे शो किया है या अगर मैं दूसरे दूसरेफॉर्म में कहूँ जिस तरह हमने प्रीवियस एग्जाम्पल्स ली थी हम कहें कि इस साइड पे हमने एप्पल ली है और इस साइड पे हमने बनाना लिया है या हम कोई और रखना चाहें तो हम कहेंगे दिस साइड पे हमारे पास बुक है और इस साइड पे हमारे पास बुक के साथ साथ हमने फ़ूड ले लिया तो हम किसी भी फॉर्म की दो कमोडिटीज़ अगर रखते हैं और इनके जो वेरियस कम्बीनेशन है वो उनके जो हमारे पास मौजूद हैं अब उसको हम एक्सप्लेन करते हैं वो इस पॉइंट से हम शुरू हो के ये इस पॉइंट के ऊपर हम देखें तो हमारे पास वेरियस कम्बिनेशन बनते हैं लेकिन हमने एक इस पॉइंट को और सिर्फ इस पॉइंट को फिलहाल दो को शो किया है अदरवाइज इन दोनों के दरमियान भी हम देखें तो बहुत से पॉइंट्स जो हमारे पास हो सकते हैं अब अगर इन दो पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया तो ये स्ट्रेट लाइन और अगेन इस स्ट्रेट लाइन के जो पीछे हमारे कंजम्पशन के बंडल हैं वो लेफ्ट साइड पे शो हुए तो इट मीन्स हमारा कन्वेक्स का कर्व जो है वो उस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है और इसी ने अब हमें यह शो किया कि जो इसकी रेट ऑफ चेंज है फ्रॉम दिस टू दिस दिस कैन बी एक्सप्लेन फ्रॉम इट्स स्लोप और इसीलिए अगर हम देखें तो ये हमारी इस कन्वेक्सटी की फॉर्म से जो हमारे पास एक्सप्रेस हो रहा है और जो बेटर सेट है अब अगर हम बेटर सेट कहें या ये वो प्रॉपर्टी जो हमने पहले एजम्पन में की थी कि वो जो अभी उसने विशफुल थिंकिंग में है या जो प्रॉपर्टी ऑफ नॉन सेटिएशन के ज़रिए हमारे पास सामने आएगी फ्यूचर के लिए या विश्व प्रॉपर्टी तो वो बंडल इसकी राइट पर मौजूद है जो कि अभी उसने अप्रोच करना है और ये वो सारा लेफ़्ट पे होगा जो कि सारा उसको अटेन्ड हो रहा है जो बिलो द कन्वैक्स लाइन है अब जो हमारे पास बजट लाइन है वो चूंकि अभी हमने यहाँ हाइपोथेटिकल रखी हमने ड्रा नहीं कि अगर मैं इसके ऊपर अगर ये वाला पॉइंट अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट कहूँ इस फॉर्म में कि इस पॉइंट पे बजट लाइन हमें यहाँ से क्रॉस कर रही है तो एक्चुअली बिकॉज दिस स्ट्रेट लाइन बजट इज टेंजेंट एट दिस पॉइंट तो वो टेंजेंसी पॉसिबल हुई है ड्यू टू द दन्वेक्स नेचर ऑफ दिस कर अदरवाइज यही वाली जो बजट लाइन है अगर हम देखें तो वो हमारे यहाँ से भी गुजर सकती है अगर मैं कहूँ और ये एक बिलो कर्व यहाँ से भी गुजर सकती है लेकिन जिस पॉइंट पे इसकी स्लोप ऑफ बजट लाइन वो स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन से इक्वेट करेगी वो टेंजेंसी का पॉइंट बनेगा और वो टेंजेंसी का पॉइंट भी हमारा जो है वो क्लियर होता है सिर्फ और सिर्फ इस कन्वेक्स कर्व की इस प्रॉपर्टी की वजह से इसी तरीके से अगर हमारे पास एक कर्व वो मौजूद है जो कि स्ट्रिक्ट कन्वैक्स की फॉर्म में नहीं है बल्कि वो वीकर कन्वैक्स की फॉर्म में है तो वो कर्व अगर हम देखें तो वो हमारे पास इस शक्ल में देखें तो ओवरऑल इसकी शेप लिटल बिट कन्वैक्स की तरह है लेकिन इसके कहीं पे इस पॉइंट और जो दूसरी तरफ हम इस पॉइंट को देखें तो इसके दरम्यान में इसको एक्चुअली कन्वेक्सिटी को शो करते हुए इस तरीके से आना चाहिए था और उसी तरीके से इस पॉइंट को देखें तो इसको ये भी इस फॉर्म में जाना चाहिए था लेकिन उन दो पॉइंट्स के दरमियान ये यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे अगर एक अमाउंट ऑफ एक्स टू है और इस जगह पे इसकी अमाउंट है और उसके परपेंडिकुलरली अगर हम एक्स वन को ड्रा कर रहे हैं तो ये हमें परफेक्ट सब्सिट्यूशन की शेप देगा और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक तो ये वाली जो शेप है ये हमें स्ट्रिक्ट कन्वेक्स नहीं रादर ये वीकर कन्वेक्स जो है वो शो करेगी तो वो वाले सेगमेंट्स जो हैं वो दिस पार्ट के दौरान सब्सिट्यूशन ज़रूर है लेकिन इतने पार्ट पे ये परफेक्ट सब्सटी को शो कर रहा होगा और इस पार्ट के दौरान भी जब ये शो कर रहा होगा तो ये यहाँ पे परफेक्ट सब्सिट्यूशन को शो कर रहा होगा और अदरवाइज जो हमारे पास स्ट्रिक्ट कन्वेक्स का कर्व होगा वो अगर हम बनाते हैं तो वो जब इस फॉर्म में है तो वो अगर हम देखें तो वो परफेक्ट सब्सिट्यूट की बजाय वो लिमिटेड सब्सिटिलिटी हमें शो करता है जिसमें ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर भी जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो तमाम की तमाम शो हो रही होती हैं।